Assalamu alaikum, dear friends and students. This is Qudratullah with you people with the new topic of this chapter, growth and development. And today we are going to talk about the very important lecture of this chapter. We will focus on the embryonic development, right? In previous lecture, we have discussed about the concept of fertilization, that how fertilization occur. And in this lecture, we will discuss about the zygote formation, right? As we know that zygote is formed from the male pronucleus and female pronucleus, and how this zygote results into a cleavage, right? How blastomere is formed, marula formation, blastula formation, blastocyst, trophoblast, cytotrophoblast, sensitiotrophoblast, embryoblast, hypoblast, epiblast, and amniotic cavity, right? So let's talk about the very important concept of zygote, right? Firstly, we have to know about zygote, right? Zygote is actually the combination. Zygote is actually the diploid cell which is formed from the male and female gamete, right? Male or female gametes ke combination se jo cell banti hai usko hum naam dete hai zygote ka. And here is a very important question for you people, that zygote is actually the first cell example of the embryo. ठीक है, zygote को हम unicellular embryo भी कह सकते हैं. ठीक है, embryonic study actually हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं आफ्टर द zygote फॉर्मेशन, के zygote फॉर्मेशन के बाद जो स्टेजेस होते हैं जिसको हम क्लेवेज कहते हैं. ठीक है, मीन जो रिपीटेडली डिवीजन होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न लिटरेचर दिस zygote इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिंगल सेल एम्ब्रियो, राइट? इस zygote को हम यूनिसेलुलर एम्ब्रियो कह सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर यू पीपल, राइट? अभी ये zygote जो है ना, ये डिवाइड होती है. किस तरह डिवाइड होती है? टू सेल में डिवाइड होती है. आप लोगों को अगर याद हो तो कल के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जब भी zygote बनती है तो ये zygote माइटोसिस के मेटाफेज में जब इसके स्पेंडल फाइबर्स अपीयर होते हैं तो इन स्पेंडल फाइबर्स के साथ मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस यानी इसके जो क्रोमोजोम है, ठीक है, वो क्रोमोजोम जो कि डबल होते हैं वो एराइज होते हैं, मतलब वो अटैच होते हैं. ठीक है, लेट सपोज दिस इज मेल क्रोमोजोम एंड हेयर इज अ फीमेल क्रोमोजोम, राइट? तो ये दोनों मेल और फीमेल क्रोमोजोम फिर इसके बाद ये साइड्स की तरफ, पुल्स की तरफ, अगेंस्ट द पुल की तरफ जाते हैं. तो मतलब ये कि अगर हम इसको दोबारा मिटाएं और यहाँ पर लिख लें तो यहाँ पर एक क्रोमोजोम यानी एक क्रोमेटिड चला गया पुल्स की तरफ और दूसरा भी पुल की तरफ मदर का. इसी तरह फादर का भी एक पुल की तरफ जाएगा और दूसरा भी दूसरे पुल की तरफ जाएगा और लास्ट में इसमें फरो आएगी. ठीक है, इमेजिनेशन होगी. इसकी वजह से ये सेल दो सेल में डिवाइड होगी जिसमें हमारे पास मेटर्नल और फ्रेटर्नल क्रोमोजोम, राइट? मेटर्नल और पेटर्नल क्रोमोजोम यानी मदर और फादर के क्रोमोजोम हाफ हाफ होगी. तो 23 मदर के होंगे और 23 फादर के होंगे और कलेक्टिवली हर सेल में फिर हमारे पास 46 क्रोमोजोम होंगे, राइट? तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लेवेज, यानी जिसमें जो साइटोप्लाज्मिक फर जो है, ठीक है, वो इन्वेजिनेटेड होती है और उसकी वजह से एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई एंड द डिवीजन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज क्लीवेज, राइट? तो अगर हम देख ले यहां पर हमारे पास जायगोट दो सेल्स में डिवाइड होती है. दिस इज ड्यू टू द क्लीवेज एंड द टू सेल स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर, राइट? उसको हम क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोमेयर. यानी जब हमारे पास जायगोट मेटाफेज में जब इसके जो क्रोमोजोम है इस ये अपीयर होते हैं फिर उसके बाद एनाफेज में ये पुल्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं एंड कलेक्टली लास्ट में हमारे पास ये जायगोट टू सेल्स में डिवाइड होते हैं एंड दिस टू सेल स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर, राइट? इसको हम क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोमेयर का नाम देते हैं. याद रखें, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन हो गई, उससे फिर जायगोट बनती है, तो उस जायगोट के सेकेंड डे पे हमारे पास ब्लास्टोमेयर बनती है. अगर हम एक्यूरेटली डिस्कस कर लें तो ये अबाउट 36 आवर्स, राइट?
36 घंटों के बाद ये जाइगोट जो है ना ये ब्लास्टोमेयर में डिवाइड होती है। यहां तक क्लियर हो गया? अभी हमें ये पता होना चाहिए, पहले भी हमने ये एक्सप्लेन किया था कि लेट सपोज ये एक ठीक है जो सेकेंडरी ओसाइट है यहां से रिलीज हो गई तो ये कहां पर आएगी, इस रीजन पर आएगी, इसको हमने नाम दिया था एम्पुला का, राइट? इसको हमने क्या नाम दिया था? एम्पुला। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट फर्टिलाइजेशन मस्ट बी अकर ओवर हेयर, राइट? तो लेट सपोज ये एक इधर है, ठीक है, ये वो सेकेंडरी ओसाइट है जिसके ऊपर जूना पेलुसिडा मौजूद है, ओके? जिसके ऊपर क्या है, जोना पेलुसिडा मौजूद है और ये सेकेंडरी ओसाइट हो गए। अभी इसके साथ मेल प्रोन्यूक्लियस मिल गया, स्पर्म मिल गया, तो ये जाइगोट बन गया। लेकिन ये जाइगोट भी यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब ही में बनता है, इसके ऊपर भी जोना पेलुसिडा मौजूद है एंड दिस इज डे फर्स्ट, ओके? ये भी ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज जोना पेलुसिडा, ओके? ये जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा है, दिस इज जोना एंड सो ऑन, ठीक है? तो फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज के बाद मींस सेकेंड डे पे इसी ही दिन में ब्लास्टोमेयर से फिर फोर सेल स्टेज बनती है, मतलब वो दोबारा डिवाइड होती है, जो दो सेल दोबारा दो में डिवाइड होती है, यानी इसमें इस तरह की डिविजन होती है, पहले इस और फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो फोर स्टेज सेल्स बनते हैं। इसी तरह ये उसी ही सेकेंड डे पे होती है। थर्ड डे पे भी इसी तरह हमारे पास थर्ड डे पे भी क्या होते हैं, डिवीजन होती है, और फोर सेल स्टेज डिवाइड होती है एट सेल में, ठीक है? एट सेल में ये डिवाइड होती है, ठीक है? एट सेल के बाद फिर क्या होता है, ये उसी ही थर्ड डे पे सेकेंड डे पे सॉरी ये भी सेकेंड डे हो गया, ये भी सेकेंड डे हो गया, ये भी सेकेंड डे पे होता है। सेकेंड डे पे दोबारा क्या होता है, हमारे पास ये जो एट सेल स्टेज है ये टू टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं, सॉरी ये एट सेल स्टेज डिवाइड होता है 16 टेप शेप सेल में, ठीक है? 16 सेल बनाते हैं और उस 16 सेल्स को हम नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, अर्ली मरूला, मरूला इज द वर्ड, मरूला इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड और इसका मतलब है मलबरे, ओके? बेरी की तरह, शहतूत की तरह होती है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मरूला। और इस मरूला को अगर हम देख ले तो इट कंटेन टू टाइप ऑफ सेल, द आउटर सेल इज कॉल्ड एज आउटर सेल मास, राइट? ओके, एंड द इनर सेल, द कंपैक्ट सेल्स आर कॉल्ड एज इनर सेल मास, ओके? इनर सेल मास एंड द आउटर सेल मास। एंड हेयर इज अ वेरी वेरी लॉजिकल पॉइंट, ये जो आउटर सेल होते हैं इसकी तादाद ज्यादा होती है, बट इट कंटेन्स स्पेसिस, लेकिन ये जो इनर सेल मास होते हैं ये तादाद में कम होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच होते हैं, कम्युनिकेशन होती है इसमें, एडजेसेंट सेल्स नेबर सेल्स को ये अटैच करते हैं, ठीक है? और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं इनर सेल मास, ठीक है? और इन सेल्स को सॉरी इस एग्रीगेशन को हम नाम देते हैं इनर सेल मास। और ये जो प्रोसेस है जिसमें इनर सेल हाईली कनेक्टेड होते हैं, और इसमें क्या होती है, इसके कनेक्शन के दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है? ये दो तरीकों से कनेक्शन होती है इसमें। फर्स्ट वन इज बाय मींस ऑफ आयनिक एक्सचेंज, राइट? इसमें आयनिक एक्सचेंज होती है, एंड द सेकेंड इट कैन शेयर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ओके? मींस ये कि ये क्या है, ये सेक्रीफायर है। एक सेल में लेट सपोज मेटाबॉलिज्म ज्यादा होती है तो वो अपने दोस्त के साथ एडजेसेंट सेल्स के साथ वो शेयर करती है, एंड दिस प्रोसेस इन विच द थिकनेस द कनेक्शन बिटवीन द इनर सेल मास ऑफ अ सेल दिस इज कॉल्ड एज कंपैक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कंपैक्शन, ओके? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंपैक्शन। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस कंपैक्शन का काम क्या है, ओके? इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया कंपैक्शन का, ओके? उसके बाद ये इनर सेल मास, ये मरूला जो है थर्ड डे पे ये डिवाइड होती है, थर्ड डे पे ये क्या करती है,
ये थर्ड डे पे 16 सेल स्टेज डिवाइड होती है इनटू अ 32 सेल स्ट्रक्चर एंड दिस 32 सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेट मरूला। ओके, उसको हम क्या नाम देते हैं? लेट मरूला का नाम देते हैं, राइट? उसको हम नाम देते हैं लेट मरूला। अभी ये लेट मरूला जो है, चलो ठीक है, कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम इसमें सारे के सारे सेल्स को एडजस्ट करते हैं। लेट मरूला में एग्जैक्ट वही प्रोसेस हो गई कि आउटर सेल जो है ना, उसमें सेल ज्यादा हो गए, इनर सेल जो है इसमें सेल्स कम हो गए, लेकिन वो टाइट हो गए, कनेक्टेड हो गए, जिसकी किस चीज की वजह से? कंपैक्शन की वजह से। आउटर सेल को आउटर सेल मास कहते हैं और इनर सेल को हम नाम देते हैं इनर सेल मास। ये आउटर सेल मास जो है ये फिर बेबी नहीं बना सकते, ठीक है, इससे फीटस की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये उसकी जो मतलब लवाजमात है, अदर कॉम्पोनेंट्स जो कि फीटस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो बनाएंगे। मीन्स प्लेसेंटा बनाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगी, एटसेट्रा। सॉरी, नॉट एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब ये कि इसके जो अदर कॉम्पोनेंट्स जो कि इस फीटस को के डेवलपमेंट में हेल्प देते हैं, वो बनाएंगे। और ये जो इनर सेल मास है, ये क्या बनाएगा? ये एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स बनाएंगे और उस एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल से फिर हमारे पास फीटस बनेगी। यहां तक क्लियर हो गया? तो मरूला, लेट मरूला के बाद ये पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर लेट सपोज हमारे पास जो ब्लास्टोमियर है, ठीक है, ये है, इसके बाद ये फोर सेल स्टेज हो गया, एट सेल हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन जैसे ही ये मरूला में डिवाइड होती है, तो ये मरूला जो है ये इस यूट्राइन कैविटी मींस एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर ये आ जाती है। ये मरूला लेट मरूला में डिवाइड होती है, प्राइमरी मरूला जो है ये लेट मरूला में डिवाइड हो गई इसके अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर। उसके बाद क्या होगा? हियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही ये लेट मरूला के अंदर डिवाइड हो गई, को डिवाइड हो गई, कंपेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी शुरू है, तब क्या होगा? ये यहां पर एक कैविटी प्रोड्यूस होगी, कैविटी प्रोड्यूस होगी। क्यों कैविटी प्रोड्यूस होगी? ये कैविटी इसलिए प्रोड्यूस होगी क्योंकि लेट मरूला के बाद ये सेल्स क्या होते हैं? कंपेक्शन के थ्रू ये इनहेंस होते हैं और उस इनहेंसिंग की वजह से ये सेल्स जो है ना, ये रिपीडली डिवाइड होते हैं एंड द रिपीडली डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टिक सेल्स। एंड दिस कैविटी व्हिच अकर बाय मींस ऑफ दिस ब्लास्टिक सेल, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। ओके, उसको हम क्या नाम देते हैं? ब्लास्टो सेल। और इसमें सेल जो है ना, ये 100 एक्सीड करते हैं, मतलब 100 से ज्यादा होती है और ये उसी ही फोर्थ डे पे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट होती है। तो याद रखें, ये स्टेज जो है जिसमें हमारे पास ब्लास्टोसील बनती है और आउटर सेल मास और इनर सेल मास होते हैं, इस कलेक्टोली इस स्ट्रक्चर को जो कि लेट मरूला से बनती है, इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टुला। क्लियर हो गया? मरूला हमारे पास मलबरे शेप था जिसमें हमारे पास 60 जो कि 16 सेल पे, इसको अर्लियर मरूला कहते हैं और 32 सेल स्टेज पे हम इसको लेट मरूला कहते हैं। फिर वो 64 सेल में डिवाइड होती है, फिर 128 सेल्स में डिवाइड होती है। तो 128 सेल्स पे या 64 सेल्स पे जिसमें जो कनेक्चुअली डिवीजन होती है, किस चीज की वजह से? कंपेक्शन की वजह से। तो यहां पर ये मैकेनिज्म जो है ये क्या होगी? ये पुश अप होगी, ये स्पीड अप होगी और उसके स्पीडिंग की वजह से यहां पर एक कैविटी प्रोड्यूस होगी। वो कैविटी क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि वो जो सेल्स है वो एक साइड की तरफ प्रोपेल करते हैं। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, सॉरी, ब्लास्टोसिस्ट, द कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट, नॉट ब्लास्टोसील। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं। ब्लास्टोसिस्ट इज द कैविटी इन द रिपिड डिवीजन ऑफ द लेट मरूला। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है, ये जो लोअर सरफेस है मींस आउटर सेल मास है और इनर सेल मास है, ये दोनों को मतलब ये इनर सेल मास को एक डायरेक्शन की तरफ लेकर ले जाता है और इसमें कैविटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टो
सिस्ट, और ये कैविटी फिर इसमें फ्लूइड बन जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अभी इसके बाद ये जो हमारे पास जो आउटर सेल मास है, आउटर सेल मास, इन आउटर सेल मास को हम इस स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट के बाद इसको हम नाम देते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ओके, इस आउटर सेल मास ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं एंड दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट। यहां तक क्लियर हो गया। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, अभी यूट्राइन फ्लूइड जो है इसमें मूव करती है, ठीक है। स्टिल दिस इज नॉट इम्प्लांटेड। एंडोमेट्रियम में क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं हुई है। हाँ, मूवमेंट हुई है थर्ड डे पे, ठीक है, थर्ड या फोर्थ डे पे ब्लास्ट, हमारे पास मरूला बन गया है। मरूला जैसे ही बनती है तो ये एंडोमेट्रियम की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। यहां तक क्लियर हो गया। और एंडोमेट्रियम याद रखे, दिस इज द फॉन्डस रीजन एंड दिस इज द सर्विकल रीजन। तो एंडोमेट्रियम हमेशा के लिए सर्विक्स के बॉडी में होती है, फॉन्डस में नहीं हो सकती। अगर फॉन्डस में इम्प्लांटेशन होगी तब क्या होगा, इट विल बी कंसीडर एज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, राइट। उसको हम फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह सकते हैं एंड दैट कैन नेवर लीड्स टू द ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। उससे फिर ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हो सकती, मीन्स बेबी नहीं बन सकती। यहां तक क्लियर हो गया कि हमारे पास इससे ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स बन गए और जो इनर सरफेस, जो इनर सेल मास है, इससे हमारे पास बनते हैं एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल, राइट। ट्रोपोब्लास्टिक सेल एंड एम्ब्रियोब्लास्ट सेल, राइट। ट्रोपोब्लास्ट सेल एंड एम्ब्रियोब्लास्ट सेल। ट्रोपोब्लास्ट सेल किस चीज से बन गए, आउटर सेल मास से, जिसमें हमारे पास क्या है, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि इट कंटेन अ माइन्यूट स्पेसिस व्हाइल द इनर सेल्स आर कंपैक्ट विद ईच अदर एंड दे आर सेक्रीफायर, ठीक है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट। और याद रखें ये एम्ब्रियोब्लास्ट फिर एक्चुअली बेबी बनाएगा, बेबी फॉर्मेशन ये करते हैं। और ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स क्या करते हैं, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, ये सपोर्टिंग सेल्स है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या होता है, ये ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स जो है ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, ठीक है, एट द डे ऑफ सेवन या सिक्स, सिक्स डे पे क्या होता है, सिक्स डे पे ये होता है कि ये ट्रोपोब्लास्टिक सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं। किस तरह डिवाइड करते हैं, जैसे अगर आप माइक्रोस्कोपिकल स्टडी कर ले इसका, तो सिक्स डे पे आप एक एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर देंगे, देखेंगे विच इज मोनोन्यूक्लिएटेड इन नेचर, जो कि मोनोन्यूक्लिएटेड होती है एंड विच आर प्रेजेंट ऑन द पेराइटल सर्फेस। अच्छा, इसको पेराइटल सर्फेस को पढ़ने से पहले यहां पर याद रखे, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनती है तो ब्लास्टोसिस्ट के बनने के बाद ये जो है ना, ये जो इसका जो जोना पेलुसिडा है ये रप्चर होती है और ब्लास्टोसिस्ट जो है ये हैच आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जोना पेलुसिडा नहीं होती, यहाँ पर ओनली एंड ओनली क्लॉटेड स्ट्रक्चर होती है इन दिस फॉर्म, राइट। पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे पास जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनती है तो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के दौरान ये जो जोना पेलुसिडा है ये डाइजेस्टेड होती है और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना ये हैच आउट होता है, बाहर की तरफ आता है। मतलब ये कि जोना पेलुसिडा खत्म हो गई, अभी ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल जो है, एंडोमेट्रियम जो है, इसमें फ्रीली मूव करता है लेकिन अटैच नहीं हो सकता। अटैच होने के लिए जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल है ये अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा। और इसकी शोमेंट किस चीज में है कि ये कलमनर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर मोनोन्यूक्लिएटेड इन नेचर, जो कि अगर हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी कर ले इसका तो हम फौरन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि यस दिस इज मोनोन्यूक्लिएटेड सेल, राइट। तो उस मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स को जो कि एक एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल, ये सेल्स जो है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, दिस इज कॉल्ड ए साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या है, ये एक्चुअली मोनोन्यूक्लिएटेड सेल है जो के जो एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल है इसको इसके सराउंड होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है इसके एक्सटेंशन अपीयर होते हैं
और ये extensions जो है ना, these are the undifferentiated cell, इसको हम differentiate नहीं कर सकते हैं, ठीक है, although these are nucleated cell, but these are undifferentiated, and these undifferentiated cell will secrete their secretion more and more toward the embryoblast, ठीक है, और इसका जो secretion है, वो against the embryoblast, means ab embryoblast, उसकी तरफ इसकी सिक्रीशन बहुत कम है, such like you can differentiate, यहाँ पर सिक्रीशन ज्यादा है और यहाँ पर कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगी, यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनेगी, that's why जो एम्ब्रियो के साइड पे सिक्रीशन होगी वो इस सेंसेशियोट्रोपोब्लास्ट की ज्यादा होगी। तो उन सेल्स को, उन अनडिफरेंशिएटेड सेल को हम नाम देते हैं सेंसेशियोट्रोपोब्लास्ट, यहां तक क्लियर हो गया, उसको हम नाम देते हैं सेंसेशियोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद हमारे पास इम्प्लांटेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है, ओके, इम्प्लांटेशन, यहां तक क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स आर थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, राइट। तो इम्प्लांटेशन यहां से स्टार्ट होगा, इम्प्लांटेशन किस तरह होगा, ये जो सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है, ठीक है, सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स जो है ये इस यूटेरस के साथ, ठीक है, एंडोमेट्रियम के साथ ये अटैच होगा, किस तरह अटैच होगा, सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स इसमें हुक्स होते हैं, इसमें कनेक्शन होते हैं, और ये कनेक्शन यहाँ पर, ठीक है, इस ये जो है एंडोमेट्रियम जो है इसके साथ भी, इसमें भी हुक्स होते हैं, तो ये दोनों हुक्स आपस में हैंग ओवर करते हैं, तो इस हैंग ओवर के दौरान ये लूजली अटैच होता है, ठीक है, जो सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है ये लूजली अटैच होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद इन सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स में एक्चुअली एक केमिकल होता है, दैट इज कॉल्ड ए सेलेक्टिन, ठीक है, इसमें क्या होता है, यहां पर एक केमिकल ये रिलीज करता है, एंड दिस एच शेप केमिकल, दिस इज कॉल्ड ए सेलेक्टिन, ओके, इस सेलेक्टिन के थ्रू ये अटैच होता है एंडोमेट्रियम के साथ, ये सेलेक्टिन एक्चुअली दिस आर वर्किंग एज अ रिसेप्टर्स, और इसके रिसेप्टर्स का जो टारगेटेड सेल्स है दैट इज एक्चुअली ग्लूकोज। तो यूटेरस आफ्टर द ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी के केस में या इम्प्लांटेशन के केस में उसमें ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, एंड वेन एवर द ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज इन द यूटेरस दिस सेलेक्टिन मूव एट दैट डायरेक्शन एंड दैट विल बी अटैच्ड, ठीक है, तब क्या होगा, ये सेलेक्टिन उसके साथ अटैच होगा, और उस प्रोसेस को, ठीक है, उस प्रोसेस को जिसमें सेलेक्टिन अटैच होती है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, समझ आ रही है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन का, यहां तक क्लियर हो गया। तो नॉर्मल कंडीशन में इम्प्लांटेशन हमारे पास डे 6 या डे 7 पर होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये लूजली अटैच होते हैं हुक्स की वजह से, और उन हुक्स को हम नाम देते हैं सेलेक्टिन का, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा, डे 8 और डे 9 पे ये जो हमारे पास जो सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स हैं इसमें कॉन्टेक्ट, इसमें कम्युनिकेशन के लिए और सेल्स बनते हैं, और उन सेल्स को हम नाम देते हैं लिक्यूनी, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स को हम नाम देते हैं लिक्यूनी का, ठीक है, ये लिक्यूनी जो है ये कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हैं, और यहां पर जो एंडोमेट्रियम वॉल जो है, एंड्रोमेट्रियम वॉल के साथ जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं उसके साथ साथ ये लिक्यूनी अटैच होती है, ठीक है, और उससे फिर क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं ब्लड की। सो दिस इज एक्चुअली द वेरी प्राइमरी पार्ट फॉर द यूट्राइन एंड प्लेसेंटल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये यूट्राइन मींस यूटेरस और प्लेसेंटल कम्युनिकेशन का जो सबसे हिस्सा है दैट इज एक्चुअली द लिक्यूनी फॉर्मेशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो साइनोसाइडल सर्फेसिस होते हैं या मेन आर्टरीज होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, तो ये उसके साथ अटैच होती है, और उसके उससे फिर क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं किस चीज के, ब्लड की, तो ये रिच इन ब्लड होते हैं, और इसका काम क्या है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, जो इम्प्लांटेशन हो गई उसको ये रेगुलेट कर देते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम सो फार,
अभी ये हमने पढ़ लिया किस चीज को, ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स को, कि ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स की डेवलपमेंट हमारे पास किस तरह होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रोपोब्लास्टिक सेल। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल को अभी अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले तब क्या होगा। लुक हियर, दिस इज एक्चुअली द एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल। ये हमारे पास ये जो सेल है, दिस इज एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल। तो एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल हमेशा के लिए इनर सरफेस पर होती है, और इनर सरफेस में जो भी हमारे पास मतलब ऐसी सेल होगी जो कि डिवाइड होती है, ठीक है, तो उसको हम एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल कहते हैं। लेट सपोज दिस इज एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल, राइट। लेट मी ड्रा अनदर डायग्राम ऑफ हियर। ओके, दिस इज एक्चुअली द साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल, और इसके आउटर सरफेस पर दिस आर एक्चुअली द न्यूक्लियेटेड सेल। ओके, इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया था, और इसके सरफेस पे हमारे पास सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स हैं, और ये सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स फिर क्या करते हैं, ये पीयर कम्युनिकेशन में मींस जो के अटैचमेंट हो गई उसके साथ ये उसमें हेल्प देते हैं, और इसके अंदर ये जो सेल है दिस इज एक्चुअली द एम्ब्रियोनिक सेल, राइट। ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल है। तो एम्ब्रियोनिक सेल में हमारे पास जो लोअर सरफेस पर पाई जाती है उसको हम हाइपोडर्मस कहते हैं, और इसके ऊपर हमारे पास ये सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉलमनर सेल्स। ओके, और ये कॉलमनर सेल्स फिर क्या करते हैं, ये दूसरे टाइप के सेल्स बनाते हैं, और उस सेल्स की वजह से इसमें फिर फ्लूइड भी आ जाती है, मतलब कैविटी क्रिएट होती है। ओके, इफ यू लुक हियर अगेन, यही एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल है। इस एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल को हमने डिवाइड किया है, ये जो सरफेस है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया हाइपोब्लास्ट। ओके, क्योंकि ये लोअर सरफेस पर है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइपोब्लास्ट का, ठीक है। और ये जो सरफेस है इसको हमने नाम दे दिया एपिब्लास्ट। ओके, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एपिब्लास्ट का। अभी ये जो एपिब्लास्टिक सेल्स हैं, ये एपिब्लास्टिक सेल ये क्या है, ये कॉलमनर सेल है, राइट, ये कॉलमनर सेल्स है, और ये जो हाइपोब्लास्टिक सेल है दिस आर द क्यूबॉइडल सेल। ये क्या है, ये क्यूबॉइडल सेल्स है, क्यूबॉइडल सेल्स और कॉलमनर सेल्स। तो ये एपिब्लास्टिक सेल ये एक्चुअली किस चीज से, इस हाइपोब्लास्टिक सेल से। लेट सपोज दिस इज हाइपोब्लास्टिक सेल, तो इस हाइपोब्लास्ट के ऊपर एक लेयर बन गई, दैट इज कॉल्ड एज एपिब्लास्ट। अभी ये एपिब्लास्ट जो है ये एक्चुअली इस तरह कर्व शेप सेल में डिवाइड होती है, ये जो सेल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो कर्व शेप सेल है इसको हम नाम देते हैं, एम्नियोब्लास्ट। यानी ऐसे सेल हैं जो कि एम्नियोटिक केविटी बनाती हैं, और ये जो केविटी हो गई दिस इज कॉल्ड एज एम्नियोटिक केविटी। ओके, ये क्या है, ये एम्नियोटिक केविटी है, सही है। हमारे पास एक्चुअली अगर हम इसको डिस्कस कर ले देन वी आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इन नेचर। हमारे बॉडी में चार डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, एम्नियन, कोरियन, एलेंटाइस एंड यॉक्सेक, ठीक है, ये चार टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या था, ब्लास्टोसिस्ट था, ठीक है, और उस ब्लास्टोसिस्ट की वजह से फिर क्या हो गए, सेल्स डिवाइड होते हैं इनटू द एम्ब्रियोब्लास्टिक एंड ट्रोफोब्लास्टिक सेल। ट्रोपोब्लास्टिक सेल को हमने डिवाइड किया था साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल में और सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल में। इन सेंसेशियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स की वजह से इम्प्लांटेशन होती है। फिर ये जो एम्नियोब्लास्टिक सेल्स है ये 12th डे पे या 13th डे पे क्या करते हैं,
जो हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल है ये डिवाइड होते हैं और ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अपीयर करते हैं जिसको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, जो कि क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, और इसके ऊपर एक और कलमनर सेल्स का एक लेयर चढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपिब्लास्ट सेल। और ये एपिब्लास्ट सेल ऊपर से करो की तरह थोड़ा सा करो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एमनियोब्लास्टिक सेल। और इसके अंदर जो सर्फेस है, जो केविटी है, दैट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक केविटी। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन ये जो कलमनर सेल्स हैं, सॉरी क्यूबॉइडल सेल हैं, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं किस चीज को, कनेक्टिव टिश्यूज को। और ये कनेक्टिव टिश्यूज फिर आगे जाके एक केविटी बनाती हैं, एंड दिस केविटी इज कॉल्ड एज प्राइमरी यॉर्क सैक। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी यॉर्क सैक। ठीक है, फिर दोबारा में ये क्या करते हैं, सेकेंडरी यॉर्क सैक बनाते हैं, सेकेंडरी यॉर्क सैक। ओके, सेकेंडरी यॉर्क सैक बनाते हैं, और इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है ये, ठीक है, ये जो सरफेस है, चाहे वो इस सरफेस के साथ हो या अपर सरफेस के साथ हो, इस तरह कनेक्शन ये भी एराइज होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेसोडर्म। ठीक है, या मेसोब्लास्ट या मेसोडर्म। ठीक है, ये मेसोडर्मल लेयर बनाती है। क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, ये हमारे पास मेसोडर्मल केविटी बनाती है। तो ये है, सो फार दिस इज अप टू द इम्प्लांटेशन तक अगर हम इसको डिस्कस कर लें। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह गैस्ट्रुला पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक रिव्यू दोबारा देता हूं। कल के लेक्चर में हम इस एमनियोटिक केविटी को, यॉर्क सैक को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द जायगोट फॉर्मेशन। जायगोट इज एक्चुअली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट? और उससे फिर हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल अपीयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज जायगोट। और वो जायगोट फिर कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है, ठीक है, एंड टू सेल स्टेज, फोर सेल, एट सेल, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, उस प्रोसेस को, दिस डिवीजन ऑफ जायगोट, दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज। तो वो जायगोट आफ्टर 36 आवर्स वो दो सेल स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर। ये ब्लास्टोमेयर उसी ही सेकेंड दिन पे दोबारा फोर सेल स्टेज में डिवाइड होती है, विच इज कॉल्ड फोर सेल स्टेज में उसी ही सेकेंड डे पे ये डिवाइड होती है अगेन इनटू एट सेल स्टेज, और फिर उसी ही दिन पे ये 16 सेल स्टेज पे डिवाइड होती है, जिसको हम अर्ली मरूला कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरे दिन में ये अर्ली मरूला डिवाइड होती है लेट मरूला में, और उसी ही लेट मरूला के दौरान ये जो एक्सटर्नल सरफेस है, इसको हम नाम देते हैं आउटर सेल मास, और इनर सरफेस जो कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, उसको हम नाम देते हैं इनर सेल मास। ठीक है, ये इनर सेल मास जो है, इन सेल्स में एक कम्युनिकेशन होती है, और उस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी की वजह से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं, और उन सपोर्टिंग को, उस सपोर्ट को हम नाम देते हैं कंपैक्शन। यहां तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद जो मरूला है, ये मरूला फिर डिवाइड होती है इंट्रा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में कैसे डिवाइड होती है कि ये मरूला 32 सेल से फिर 64 और फिर 128। तो इस कंडीशन में ये मरूला एक क्लॉटेड स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, और उस क्लॉटेड स्ट्रक्चर जो कि रिपीटली डिवाइड होती है, उसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। तो इसी ब्लास्टुला के दौरान ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये पुश करते हैं, उसी डिवीजन के दौरान ये सेल एक दूसरे को पुश करते हैं, और उस पुशिंग की वजह से इसमें एक क्या करते हैं, इसमें एक केविटी अपीयर होती है, उस केविटी को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, उस केविटी को हमने नाम दे दिया ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट फिर क्या करता है, जो कि आउटर सेल मास है, इसको अरेंज कर देता है, और इनर सेल मास को एक ग्रेप्स जो होते हैं, ठीक है, अंगूर, उसके गुच्छे की तरह इसको अरेंज कर देते हैं। तो ये एक साइड की तरफ चले जाते हैं, और इसमें कैविटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये जो सरफेस सेल्स हैं, इसको एक स्पेसिफिक नाम हम इसके बाद देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट।
और जो इनर सेल्स है इसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। लेकिन जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनती है तो ये ब्लास्टोसिस्ट ज़ोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट कर देती है और वो फिर हैच आउट होती है, ठीक है। एंड उसके बाद जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल है ये टू टाइप ऑफ सेल बनाते हैं, साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल एंड सेंसेशियो ट्रोपोब्लास्टिक सेल। साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं जो कि इनर सेल मास है जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल कहते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट इसके आउटर सरफेस पर इसके आउटर सरफेस पर क्या आ जाते हैं, साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स आते हैं। ये साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल न्यूक्लियोटिड सेल हैं जो कि डायरेक्टली हमें इंडिकेशन देते हैं इन अ माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, राइट। और ये साइटोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स ये फिर इसके इन्वेजिनेशन अपियर होते हैं उसको हम सेंसेशियो ट्रोपोब्लास्टिक सेल कहते हैं, और सेंसेशियो ट्रोपोब्लास्टिक सेल जो कि बैक्टीरिया जो कि एम्नियोटिक डिवीजन होती है, सो एम्ब्रियोटिक डिवीजन होती है उसकी तरफ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एम्ब्रियोटिक डिवीजन, राइट। तो यहां पर ये डिवीजन होती है और इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम नाम देते हैं सेलेक्टिन, और इस सेलेक्टिन की वजह से ये एंडोडर्म के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और ये अटैचमेंट एक्चुअली होती है एट द डे ऑफ सेवन डे पे ये अटैचमेंट होती है। उसी ही दिन पे या 8th डे पे इसमें एक अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सब्सटेंसेस होते हैं और उस कम्युनिकेशन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं लिक्यूनी। तो इस लिक्यूनी के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ ये जो मदर जो मेटर्नल बॉडी है उससे ये ब्लड भी लेते हैं, किस चीज के लिए, उस जो क्या है इम्प्लांटेशन है, ताकि वो इम्प्लांटेशन जो है ना वो डोमिनेंट रह जाए, सही है। ये हो गया ट्रोपोब्लास्टिक सेल। उसके बाद एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स बनते हैं। एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल इज एक्चुअली द गेस्ट्रेशन पीरियड, लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये एम्ब्रियोब्लास्ट ये इसको इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। एम्ब्रियोब्लास्टिक हमारे पास टू टाइप ऑफ सेल बनाते हैं, हाइपोब्लास्टिक सेल एंड एपिब्लास्टिक सेल। हाइपोब्लास्टिक सेल आर एक्चुअली द क्यूबॉइडल सेल्स, और ये जो एपिब्लास्टिक सेल्स है दीज आर द कलमनर सेल। तो एपिब्लास्टिक सेल के ऊपर सेल्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं किस चीज के लिए, एक केविटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट केविटी इज कॉल्ड एज एमनियोटिक केविटी, राइट। और फिर ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारे पास यॉर्क सैक बनती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द गेस्ट्रेशन पीरियड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर एंट्री टेस्ट एंड मेडिकल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स ऑल्सो। और आप लोग लेक्चर्स को देख लें, इंजॉय कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।